हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल, जो कि विदाउट मांग की होगी, मतलब मिडल पार्टिंग वगैरह नहीं निकालने वालों को। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम बिना मांग निकाले हेयर स्टाइल बताओ, तो सॉरी सर्दी हो गई है मुझे, मैंने कोरोना का जो वैक्सीन लेते हैं सेकेंड डोज ले लिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा बालों का सेक्शन ले लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हल्का सा ऐसे पफ बनाते हुए आप टिकटक क्लिप से इसको सेट कर लो, बहुत ही प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। आप पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग में, आपको बहुत अच्छा दिखेगा ये हेयर स्टाइल। फिर साइड से आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है बालों का, देन ट्विस्ट करते जाना है। जब आप ट्विस्ट कर रहे हो तो साथ साथ में इसको खींचते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेते लेते ऊपर तक लेके जाएंगे। एक लाइन में होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे आपकी मांग ना निकले। ये मांग नहीं है, जैसे मिडिल पार्टिंग साइड की पार्टिंग लेते हैं वो नहीं है, ओनली ट्विस्टिंग करने के लिए मैं ये हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो काफ़ी प्यारी लगेगी, ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। हल्का हल्का मैं इसको खींच ले रही हूँ और टिक टक क्लिप या बॉबी क्लिप से इसको सेट करते जाएंगे बैक में ले जाके। फिर से एक लेयर लेंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे इसी तरीके से। हल्का हल्का सा खींच लेंगे ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा मैसी दिखे। और मैं इसी क्लिप में इसको ऐसे सेट कर ले रही हूँ। सेकंड लेयर हो गया, अभी थर्ड लेयर लेंगे और सेम उसी तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। इसी क्लिप के पास ले जाके और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ओके, तो ये तीनों लेयर्स बन चुके हैं अच्छे से। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और ट्विस्टिंग करते जाएंगे। ओके, हल्का हल्का खींच लेंगे ताकि थोड़ा मैसी सा लुक दिखे बालों का। और इसको भी टिक टेक क्लिप या बॉबी क्लिप से सेट करते जाएंगे पीछे में। सेम जैसे हमने इधर तीन लेयर में ट्विस्टिंग की है वैसे ही आपको इस साइड भी कर लेना है। तो यहाँ पे तीनों लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपको क्या करना है, जो आपका ये पफ आपने बनाया था इसको हल्का हल्का खींच लेंगे। ओके, और बाकी सारे बालों को आपको ऊपर में ले जाके हाई पोनी बनानी है, एक जहाँ पे आपने क्लिप्स लगाए हैं वहीं पे ये कुछ इस तरीके का लुक दिखेगा। ओके, तो चलिए पोनी बना लेते हैं पहले। तो पूरा ऊपर में ला के यहाँ पे और एक पोनी बना लेनी है बालों की, बिल्कुल हाई में करना है, बिल्कुल भी लो नहीं रखना है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्लिप्स लगाई हैं वहाँ तक हेयर को लेके आई हूँ और यहाँ पे एक पोनी बना लूँगी। ओके, पोनी बनाने के बाद से बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक है साइड से, और एक पार्ट्स को अलग कर लेंगे और ये जो हमारा टू पार्ट्स में से जो डिवाइड किया था उसको सिंपल चोटी जैसे बनाते हैं हम लोग, उस तरीके से सिंपल चोटी बना लेंगे। और जब आप इसकी चोटी बना रहे हो साथ साथ में हेयर को खींचते जाइए इस तरीके से। ओके, एकदम सॉरी, थोड़ा थोड़ा सेक्शन इसका खींचते जाएंगे और ब्राइड बनाते जाएंगे।
इस तरीके से, ताकि जो हमारा बन बनेगा वो हमारा वॉल्यूम दिख सके बन में और ब्यूटीफुल लगे हमारा बन। इसलिए तो एंड तक पूरा चोटी बना लेंगे। ओके तो इस तरीके से खींच लिया है। अब इसको इस तरीके से लपेट देंगे चोटी के चारों तरफ और यू पिन से सेट कर लेंगे। ओके फिर जो हमारा हेयर बचा हुआ है उसमें अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और सिंपल चोटी बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा जब आप चोटी बना रहे हो तो साथ साथ में ही इसको वॉल्यूम देने के लिए खींचते जाइएगा ब्राइड को, क्योंकि बाद में खींचने पे परफेक्ट लुक नहीं आता है जैसा हमको चाहिए होता है। ओके तो ये हमने खींच लिया है इसको अगेन दूसरी साइड से ले जाके और बस ट्विस्टिंग सॉरी लपेट के बालों के चारों तरफ और यू पिन से इसको भी सेट कर देंगे और ये हमारा प्यारा सा बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। मैं अभी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ बन का। 3-4 यू पिन से इसको सेट कर लीजिएगा ताकि बाद में खुल ना जाए आपका बन और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। ओके तो ये है हमारा विदाउट मांग के बहुत सुंदर सा मैसी बन हेयर स्टाइल। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इंस्टा आईडी PreetyBhai24 है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो दूसरा चैनल है उसका नाम है सिलाई कोच प्रीति बाई, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे चेकआउट कर लीजिएगा चैनल को और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।